हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं वह हमारे लिए कितनी आवश्यक है। बस यो समझ लीजिए कि ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हम सबको तो अपनी ओर खींच कर रखता ही है, साथ में अंतरिक्ष के हजारों खतरों से पृथ्वी को बचाती भी है। चाहे वह खतरा लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स हो या सूर्य की खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स हो। वो खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स जो पल भर में हमारे सारे संचार के साधनों को ध्वस्त कर सकती है और हमें दोबारा आदिम युग में पहुंचा सकती है। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि इतनी महत्वपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी में उत्पन्न आखिर कहां से होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन। बने रहिए हमारे साथ विद नॉलेज की बात। साथियों, हमारी पृथ्वी अपने आप में बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं जिसे समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा हमारे सामने लाए जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस धरातल पर आप और हम रहते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, उसके नीचे गर्म लावे का एक समुद्र बहता है। जी हाँ दोस्तों, और यही निर्मित होती है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, जानने के लिए चलते हैं पृथ्वी के अंदर एक छोटे से शहर में। अगर हम पृथ्वी की धरातल में ड्रिल करके नीचे जाने की कोशिश करें तब भी हम 12 किलोमीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। अभी तक पृथ्वी के सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जो 11 किलोमीटर की गहरा है। परंतु चलो, हमने मान लिया किसी तरीके से हम पृथ्वी के आर पार छेद कर लिए, तब हम देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख रूप से तीन परतें हैं। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी की इन तीन परतों के बारे में। सबसे पहली परत अगर हम पृथ्वी की देखें तो वो है क्रस्ट, जहाँ पर आप और हम रहते हैं, इसे भूपर्पटी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है मेंटल, तीसरे नंबर पर कोर, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे पहली परत जिसको क्रस्ट कहा जाता है, इसी पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रस्ट के नीचे पाया जाता है मेंटल और उसके नीचे पाया जाता है क्रोड। क्रस्ट या भूपर्पटी में मुख्य रूप से हमें चट्टान और मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन यह मिलकर बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से। क्रस्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। अगर हम महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से कम होती है और साथ ही साथ महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो 35 से 40 किलोमीटर की मोटाई तक हमें देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं पृथ्वी की दूसरी परत की ओर, जिसे कहा जाता है मेंटल या प्रवाह। मेंटल जो है वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। यह विभिन्न चट्टानों और धातुओं का पिघला हुआ भंडार है जिसे मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा में अत्यधिक दबाव पड़ता है तो यह पृथ्वी के उस हिस्से पर जो थोड़ा कमजोर होता है वहां से पृथ्वी की ओर बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है तो इसे हम लावा के नाम से जानते हैं। मेंटल या प्रवाह के नीचे पृथ्वी की तीसरी परत पाई जाती है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। यह सबसे आंतरिक परत है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप यहाँ देख सकते हैं। कोर मुख्य रूप से लौह तत्व से मिलकर बना है जिसमें आयरन और निकिल प्रमुख हैं। कोर की अगर हम बात करते हैं तो यह दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, पहला आंतरिक कोर और दूसरा बाह्य कोर। जहां आंतरिक कोर ठोस अवस्था में पाई जाती है, वहीं बाह्य कोर जो है वह द्रव अवस्था में हमें देखने को मिलती है। सबसे रोचक बात यह है कि कोर का तापमान सूर्य के बाहरी तापमान के बराबर है, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह पृथ्वी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। जब आंतरिक कोर से बाह्य कोर की ओर कन्वेंशनल फोर्स बहता है तो इसका परिणाम हमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में दिखाई देता है, जो पृथ्वी की रक्षा सोलर विंड और सोलर पार्टिकल से करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप पृथ्वी की इन तीनों परतों को और उसके महत्व को समझ गए और ये भी जान गए कि हमारी पृथ्वी बाहर से और अंदर से कैसे दिखाई देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमें लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।